आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पुणे में जो ऑटो स्ट्राइक होने वाला है आज से उसके बारे में। अगर आपको जाना है कि कब से आके ये स्ट्राइक शुरू हुआ है और क्या है इसके पीछे का कारण, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और कोई भी पार्ट को मिस मत करना। तो आपको पता ही होगा कि पुणे में आके कई सारे स्टार्टअप्स आके लॉन्च हो चुके हैं और आप कह सकते हो कि पुणे में कई सारे स्टार्टअप्स लॉन्च होते हैं, तो इसी कारण है यहाँ पे ऑटो वालों के लिए बहुत ही बड़ा दिक्कत हो गया है कि वे आके इन स्टार्टअप्स के साथ आके कदम से कदम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे CNG का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो बाइक टैक्सी है, आपको पता होगा कि यहाँ पे रैपिडो करके जो कंपनी है वो आके यहाँ पे बाइक टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बहुत ही सस्ते दामों में, जहाँ पे ऑटो रिक्शा वालों का जो कमाई है वहाँ पे जीरो हो चुका है, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे ऑटो रिक्शा करने के बदले यहाँ पे बाइक टैक्सी कर रहे हैं, जहाँ पे आके ऑटो रिक्शा वालों को यहाँ पे जो CNG का खर्चा है वो भी निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इसी के कारण यहाँ पे नवंबर 28 को भी ऑटो रिक्शा वालों ने यहाँ पे स्ट्राइक बुलाया था पुणे में, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिशियन और आप कह सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा आके उनको सेटिस्फाई किया गया था कि हाँ यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा 10 दिसंबर को, लेकिन 10 दिसंबर को भी यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। उसी कारण यहाँ पे सारे ऑटो रिक्शा वालों ने आके अपने तरफ से यहाँ पे बंद घोषित कर दिया है और कोई भी ऑटो रिक्शा यहाँ पे चलेगा नहीं पुणे में। तो आपको पता चल गया कि क्यों यहाँ पे ऑटो रिक्शा वाले बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, क्यों आके यहाँ पे ऑटो रिक्शा वालों को आके जो पेट आके यहाँ पे भर नहीं पा रहे, इसी कारण यहाँ पे ऑटो रिक्शा वालों ने आके स्ट्राइक बुलाया है। सेम इसी तरह का केस यहाँ पे बैंगलोर में भी देखा गया था, जहाँ पे ओला उबर को आके बैन कर दिया गया था और आके यहाँ पे फाइन भी लगाया गया था, क्योंकि वे आके एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे कस्टमर के पास से। तो सेम इसी तरह यहाँ पे बैंगलोर में भी देखा गया था। आपको अगर जानने की क्या हुआ था तो आप आके ऊपर आई बटन पे वीडियो है, जाके देख सकते हो कि क्या हुआ था यहाँ पे बैंगलोर में। सेम उसी तरह यहाँ पे पुणे में भी देखा गया कि ऑटो रिक्शा वालों का कमाई आके सारा का सारा जो स्टार्टअप है वो लोग आके ले रहे, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टअप वाले आके ज्यादा ऑफर करते हैं, क्योंकि उनके पास हाई बजट रहता है, कितना आके कस्टमर्स को वो लोग ऑफर दे सकते हैं या फिर कितना आके सस्ते में वो लोग आके ऑपरेट कर सकते हैं। उसी कारण यहाँ पे ऑटो रिक्शा वालों का जो मेन कमाई का सोर्स है वो रिड्यूस हो चुका है और कस्टमर आके प्रेफर कर रहे बाइक टैक्सी या फिर आप कह सकते हो कि रैपिडो को। उसी कारण यहाँ पे आके यूनियन ने आके बुलाया है बंद। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नया जानकारी मिला होगा। और भी ऐसे ही खबर चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू।